Hello guys, welcome to my YouTube channel Target with Suresh Bodh. Guys, जो हमारी ये सीरीज चल रही है सहायक कृषि अधिकारी से संबंधित क्वेश्चन आंसर सेट पार्ट 3 आज मैं लेकर आया हूँ, तो गाइज इसका बेनिफिट आप ज़रूर लें क्योंकि यह सभी क्वेश्चन विगत वर्ष के पेपर में आ चुके हैं। तो गाइज चलते हैं आज के इस वीडियो में कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। तो गाइज आज का पहला क्वेश्चन है डीएपी में होता है। इसका राइट आंसर है डी आंसर सही है, 18% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस एंड 0% पोटास इसमें उपस्थित होता है। तो गाइस डीएपी, तो डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है, डाई अमोनियम फास्फेट, तो ये डीएपी की फुल फॉर्म है। और जिसमें ये क्या होता है, रिच सोर्स ऑफ फास्फेट यानी कि फास्फोरस का ये रिच सोर्स होता है क्योंकि इसमें 46% हमारी क्या होती है, फास्फोरस होती है। और डीएपी का प्रयोग क्या करते हैं गाइस, जब हम शुरुआत में बुआई करते हैं तो भूमि में इसको मिला दिया जाता है डीएपी को। तो इसमें हम एक पिक्चर आपको दिखाते हैं कि डीएपी, गाइस देखिएगा ये बैग है डीएपी का, इसमें साफ तौर पे बाहर लिखा हुआ है 18, 16 और 0 यानी कि 18% में क्या है, नाइट्रोजन है, 16% फास्फोरस एंड 0% पोटास इसमें उपस्थित है। देखिएगा ये सरकार मान्य डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट, ये देखिएगा गाइस ये इसकी फुल फॉर्म यहाँ लिखी हुई है, डाई अमोनियम फास्फेट इसकी फुल फॉर्म लिखी हुई है। तो गाइस ये है डीएपी के बारे में जानकारी, इतनी जानकारी हमें इससे मिलती है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दलहनों में नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक तत्व है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा इसमें सहायक तत्व है। तो गाइज इसका आंसर राइट आंसर है मोलिब्डेनम, इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही है। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है गाइज, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, जो जितने भी दलहन हमारी होती है वो क्या करती है, वातावरण से हमारा नाइट्रोजन को फिक्स करती है। एक क्वेश्चन आता है हमेशा कि ऐसी कौन सी दलहन है जो नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, तो गाइज वो है हमारी राजमा। राजमा क्या होती है, नाइट्रोजन को फिक्स नहीं करती है, बहुत ही रेयर अमाउंट यानी कि निगजिले बिल्कुल ना के बराबर ये नाइट्रोजन को फिक्स करती है। तो इसका राइट आंसर है डी आंसर मोलिब्डेनम सही है। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन है पौधों के जड़ों के विकास में निम्न में से कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है हमारे बी फास्फोरस, फास्फोरस का राइट आंसर है। फास्फोरस क्या होता है, रूट का फॉर्मेशन करता है और जितने भी रूट हियर होते हैं उनका लार्ज अमाउंट में क्या कर देता है, सॉइल में पूरे फैला देता है ताकि जितने भी सॉइल में हमारे फास्फोरस होती है उसके जड़ क्या कर देती है, जड़ उसको सोख लेती है। तो इसका राइट आंसर है बी सही, फास्फोरस रूट को विकास के लिए रिस्पॉन्सिबल तत्व होता है। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चौथा क्वेश्चन आज का, यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, ये अमूमन क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्योंकि ये अधिक मात्रा में यूज होता है तो इसलिए ये क्वेश्चन बनने के चांस अधिक होते हैं। तो राइट गाइस इसका राइट आंसर है यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, इसका राइट आंसर है 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। तो गाइस अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा इंपॉर्टेंट तो सभी क्वेश्चन है लेकिन उनमें से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीटीकेएल का विकास गेहूं को किससे क्रॉस करके किया गया है। अब देखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गेहूं जो टीटीकेएल है वो गेहूं के साथ किसका क्रॉस किया गया। तो गाइस इसका राइट आंसर है हमारा डी सही है, राई और गेहूं को जब क्रॉस करते हैं उसके बाद क्या बनता है, टीटीकेएल का निर्माण होता है। जो ये टीटीकेएल है ये पहली मानव निर्मित अन्न है, यानी कि जो पहली मानव निर्मित फसल है वो क्या है, टीटीकेएल है। टीटीकेएल पहली मानव निर्मित फसल यानी कि क्रॉप है, इसका बिल्कुल याद कर दिएगा गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कई बार आ रखा है। तो ये क्या है, गेहूं जो हमारी वीट होती है, वीट और जो हमारी राई होती है, और राई इसका क्रॉस करके टीटीकेएल बनती है। तो गाइस इसका आज का ये आंसर सही है, इसका राइट आंसर है राई बिल्कुल।
अब चलते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। धान में SRI यानी कि सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन एक नई तकनीक विकसित की गई है जिसका उद्देश्य है, देखिएगा, जल एवं श्रम बचत, फसल उत्पादन बढ़ाने हेतु, भूमि क्षेत्र बढ़ाने हेतु कि उपयुक्त सभी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल जो एक्यूरेट आंसर है वो हमारा ए, जल एवं श्रम बचत इसका राइट आंसर है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। अब इसके बारे में हम थोड़ा सिस्टम SRI के बारे में भी थोड़ा नॉलेज कर लेते हैं कि है कहाँ और कहाँ से ही इसकी उत्पत्ति हुई है। तो गाइस जो SRI सिस्टम है, ये SRI यानी कि इसको श्री धान विधि भी बोलते हैं, श्री एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, श्री धान भी बोल जाए, श्री धान विधि किस फसल से संबंधित है, श्री धान विधि हमारी राइस से संबंधित है। तो गाइस जो श्री धान है यानी कि SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ये मेडागास्कर यानी कि एक अफ्रीकन देश है, मेडागास्कर 1983 यहीं से इस SRI सिस्टम की उत्पत्ति मानी हुई है। तो गाइस जो इसकी उत्पत्ति है, जो SRI सिस्टम की उत्पत्ति है वह मेडागास्कर 1983। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है, तो इसकी उत्पत्ति हुई है मेडागास्कर। इसका राइट आंसर है गाइस, फर्स्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूसा बोल्ड एक किस्म है, ये भी कई बार पेपरों में पूछी गई है कि पूसा बोल्ड किसकी किस्म है। तो पूसा बोल्ड इसमें मस्टर्ड की यानी कि सरसों की, इसमें राइट आंसर है मस्टर्ड यानी कि सरसों की किस्म है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल विगलन रूट फैलता है यानी कि जो रेड रूट होता है ये किसके कारण होता है। तो गाइस इसका आंसर, जो राइट आंसर है गन्ने का लाल विगलन रूट, कोलेटोट्राइकम फॉल्गेटम, इसका राइट आंसर बिल्कुल सही है, यही आंसर इसका राइट, कोलेटोट्राइकम फॉल्गेटम गन्ने का रेड रूट बिल्कुल सही है। ये क्या है, एक फफूद है यानी कि फंगस है। तो गाइस रेड रूट के बारे में मैं आपको एक पिक्चर दिखा देता हूँ, ये इसका पिक्चर कैसे शो करता है। तो गाइस ये देखिएगा, ये फंगस के कारण होता है, ये इसके डायग्रामेटिक है, ये रेड रूट बीच में जो गन्ना होता है जो हमको फाड़ के देखते हैं तो इसके बीच में क्या एक रेड कलर की क्या होती है, पूरी लेयर होती है रेड कलर की, जो हमें रेड कलर की लेयर दिखाई देती है यही क्या है, रेड रूट। अमूमन क्वेश्चन ये पेपर में पूछा जाता है कि रेड रूट किस में होता है, तो ये गन्ने में रेड रूट होता है यानी कि लाल सरण रोग किस फसल से संबंधित है, लाल सरण रोग गन्ने से संबंधित है और ये किस कारण होता है, ये कोलेटोट्राइकम फॉल्गेटम के कारण होता है। तो गाइस ये अब चलते हैं हम नेक्स्ट। गाइस देखिएगा जितने भी मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपरों में अधिकांश बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये देखिएगा, धान में खैरा रोग किस तत्व की कमी कारण होता है, ये सभी को अमूमन सभी को पता होता है कि खैरा रोग किसके कारण होता है, ये जिंक के कमी कारण यानी कि जिंक की कमी कारण ये खैरा रोग होता है। अब धान में खैरा रोग ये सर्वप्रथम कहाँ खोजा और किसने सर्वप्रथम इसकी खोज की गई की थी। तो गाइस खैरा रोग सर्वप्रथम वाई एल नैने ने इसकी सर्वप्रथम खोज की थी, वो 1966 में पंतनगर यानी कि उस समय यूपी में था, तो यहाँ इसकी खोज हुई थी, धान की खैरा रोग वाई एल नैने द्वारा ढूंढी गई खैरा रोग जो कि जिंक की कमी कारण होता है। तो गाइस इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए क्या रखा है, ये देखिएगा गाइस, बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण होता है। तो बैंगन में लिटिल लीफ बीमारी का कारण कौन सा होता है, बैंगन में लिटिल लीफ, अब देखिएगा गाइस बैंगन में लिटिल लीफ होता है माइकोप्लाज्मा के द्वारा बैंगन में लिटिल लीफ होती है। तो ये आंसर इसका राइट आंसर ए सही है। तो बैंगन का जो बॉटनिकल नेम है, तो इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम का होता है, और बैंगन का होता है सोलेनम मेलोंजना, इसका बॉटनिकल नेम होता है इसका लिटिल लीफ, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गाइज इसको बिल्कुल दिमाग में बैठा दीजिएगा। अब चलते हैं गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब देखिएगा, इससे पहले ब्रिंजल का था, अब नेक्स्ट आ गया हमारा, आम में लिटिल लीफ रोग किसके कारण पैदा होता है, आम में, बैंगन में तो हमारा किसके कारण था, माइको प्लाज्मा के कारण था, अब मैंगो और आम में किसके कारण होता है, तो आम में गाइज होता है जिंक की कमी के कारण
ये इसका राइट आंसर है डी, यानी कि आम में लिटिल लीफ जिंक की कमी कारण होता है। तो गाइस आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आलू में पिछहत्तर झुलसा यानी कि लेट ब्लाइट लगने के कारण, यानी कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ, ये जो पोटैटो में लेट ब्लाइट लगता है किसके कारण होता है, तो ये गाइस पोटैटो में लेट ब्लाइट होता है वो होता है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस, यानी कि इसका आंसर राइट आंसर बी आंसर बिल्कुल सही है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस के कारण हमारे ये क्या होता है लेट ब्लाइट होता है। जबकि अर्ली वराइट अगर पूछा जाए कि पोटैटो में अर्ली वराइट किसके कारण होता है, तो अर्ली वराइट होता ब्लाइट होता है अल्टरनेरिया सोलनाई, यानी कि अर्ली। अर्ली ब्लाइट होता है अल्टरनेरिया सोलनाई के कारण होता है। दो क्वेश्चन हमेशा अधिकांश पूछे जाते हैं, इसलिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन है ये बिल्कुल गाइज याद कर दीजिएगा। अब चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो गेहूं में करनाल बंट रोग उत्पन्न होता है। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं का करनाल बंट जो होता है वो रोग उत्पन्न होता है किसके कारण होता है। गाइज ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा कि कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर राइट आंसर इसका क्या है ये आप बताइएगा, गेहूं का करनाल बंट। तो गाइज ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, गाइज अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन आएगा बगल में, उसको बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि जो मैं अब नेक्स्ट वीडियो उसमें डालूँ तो आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत, बस पढ़ते रहिए, थैंक यू।